द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में जब साइंटिस्टों के पास काफी कम एलिमेंट थे तब उनके पास एक मकसद हुआ करता था कि सेम प्रॉपर्टी कुछ ऐसी टेबल बनाई जाए जिसमें सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट सेम ग्रुप में आ जाए और डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट डिफरेंट ग्रुप में आ जाए। ठीक समझ में आ रहा है? सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट सेम ग्रुप में आ जाए और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट डिफरेंट ग्रुप में आ जाए। तो सबसे पहला जो है आपकी बुक का सबसे पहला जो प्रयास था डोब्रिनर ने किया, एलिमेंट को जमाने का सबसे पहला प्रयास किसने किया? डोब्रिनर ट्रायड्स। क्या नाम है उसका? उस प्रयास का नाम है डोब्रिनर ट्रायड्स। अब ये डोब्रिनर ट्रायड्स क्या वो देखने वाले हैं भैया बंद कर दीजिए। डोब्रिनर ट्रायड क्या कर? इन्होंने ये कहा, ऑन कर दिया, इन्होंने क्या कहा कि अगर तीन एलिमेंट ऐसे लें जिनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दो, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दो, और यदि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के मास का एवरेज निकालो, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, और इन तीन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज बीच वाले एलिमेंट के सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आता है, तब तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी होंगी? सेम होगी। बात करता हूं फिर से, बोल रहा हूं हिंदी में, अगर फर्स्ट एलिमेंट तीन एलिमेंट ऐसे हो जिनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप जमा रहे हो और फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आता है तो तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी होती है? सेम होती है। अब इसको मैं इंग्लिश में बोल के दिखा रहा हूं, इफ द थ्री एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट, देन इफ दैट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू दैट एटॉमिक वेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट देन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स विल बी कभी कभी सेम की ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम। बोलना है थोड़ा सा, लास्ट टाइम एक बार फिर से बोल के दिखा रहा हूं, इफ द थ्री एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स देन इफ द एवरेज एटॉमिक मास एटॉमिक वेट ऑफ द सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट देन The properties of these three elements will be कभी कभी सेम, ऑलवेज सेम। समझ में आ गया सभी को? ऑलवेज सेम मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इफ द थ्री एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट देन इफ द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट then their physical encapsulation, then their properties are always same। अब मैं example लिख के दिखा देता हूँ, ध्यान से सुनना। इधर इधर यहाँ पे example लिख रहे हैं, ये बंद कर दीजिए। देखिए तीन एलिमेंट लिए मैंने, लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट ही है, सोडियम का एटॉमिक वेट ही है और पोटेशियम का एटॉमिक वेट ही है। अब इन दोनों का क्या करें? एवरेज निकाल लें। एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट बराबर बोली बेटे 7 और प्लस कितना 39 और अपॉन में कितना 2 इक्वल टू 46 अपॉन में कितना 2 और इक्वल टू कितना हो गया बोलो 23। ये देखिए 23 सेकंड वाले का एटॉमिक वेट है। यस सर, वही आ रहा है तो यहां आगे लिख सकते हैं एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। हाँ बोलिए दोस्तों। यस सर। चलिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव मतलब 8, म्यूजिक के 7 नोट्स होते हैं। देयर आर 7 नोट्स ऑफ द म्यूजिक, सा रे गा मा पा नी सा। आप मत बोलिए, मेरे बोलने
सांग रे ग मा पा ग नी की बस ये साथ ही होते हैं। सा जो है वापस रिपीट हो रहा है आठवें नंबर पे। पहला है सा रे ग मा पा द नी सा, आठवें नंबर पे से सा वापस से रिपीट हुआ। अगर नी से चालू करोगे आप सा रे, रे से चालू करोगे तो आठवें नंबर पे रे वापस आएगा। समझ आ रहा है? रे ग मा पा द नी सा रे, रे आठवें नंबर पे, पहला और आठवां सेम है। पहला और आठवां क्या रहता है? सेम। अगर ग से चालू कर रहे हो आप, जैसे पांच और तीन आठ है, देखिए ग से स्टार्ट सारे ग, ग से स्टार्ट ग पहला है, ग मा पा द नी, ये नी और सा रे ग, ये देखो आठवां, पहला और आठवां क्या हो गया? सेम। पहला और आठवां सेम। तो वैज्ञानिक न्यूलैंड ने क्या कहा कि अगर एलिमेंट को एटॉमिक मास के एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दो और लेफ्ट टू राइट जाओ, तो हर लेफ्ट टू राइट मूव करने के बाद हर फर्स्ट और हर थर्ड एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी कभी कभी सेम होगी, ऑलवेज सेम होगी। समझ में आ रहा है? म्यूजिकल नोट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, म्यूजिकल नोट के सीक्वेंस में एटॉमिक एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट जमा दो। फिर से सुन लीजिए आप, म्यूजिकल नोट के सीक्वेंस में एलिमेंट को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो एंड लेफ्ट टू राइट मूव करो, देन हर फर्स्ट every first and every eighth element की property क्या होगी? Always same। अब मैं English में बोल के दिखा रहा हूँ। According to this law, if the elements are arranged in increasing order of their atomic weights in the sequence of the musical notes, in the sequence as the musical notes, then when we move from left to right in this arrangement, then the properties of every first and eighth element will be कभी कभी same, always same, always same। समझ में आ गया सभी को? अब मैं बना के दिखा देता हूँ। देखिए, देखिए मैंने law लिख के दिखाया। According to this law, if the elements are arranged in increasing order of their atomic weight in the sequence of as the seven notes of the music, then if we move from left to right in this arrangement, then the properties of every first and eighth element will be always same। मैंने यहाँ बोल के दिखाया है सा रे गा मा पा दा नी, ठीक है, सेवन नोट्स है म्यूजिक के। अब यहाँ से अगर सा से चालू कर रहे हो तो सा पहला है। अब लेफ्ट टू राइट आओ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, मतलब पहला भी सा आखिरी और आठवां भी सा, दोनों सेम है। यहाँ से चालू कर रहे हो रे से चालू कर रहे हो तो रे पहला है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भी रे है, पहला भी रे आठवां भी रे, मतलब दोनों कैसे हैं? सेम है। उसी प्रकार से इन एलिमेंट को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब लेफ्ट राइट मूव करने की कोशिश करो, एवरी फर्स्ट एंड एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसे होंगी? सेम। चेक करके देखते हैं, स्टार्ट करिए। पहला है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होंगी? सेम। समझ में आ रहा सभी को? यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे खत्म, ये पहला आठवां, प्रॉपर्टी दोनों की कैसी होंगी? सेम। यहाँ से स्टार्ट करके देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म, पहला और आठवां दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होंगी? सेम। तो लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हो तो एवरी फर्स्ट एंड एवरी एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी कभी कभी सेम होंगी, ऑलवेज सेम होगी। समझ में आ गया सभी को?